Welcome RCI online classes. Dear students, our next topic is electric potential due to charge non-conducting sphere. Non-conducting sphere, conducting और non-conducting में difference क्या है? जो non-conducting sphere होता है उसमें जो charge होता है वो जो आपका volume है उसमें अंदर की side distribute रहता है, यानी कि charge जिस भी स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर देंगे वो सारा चार्ज एक ही जगह उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। नॉन कंडक्टिंग की ये एक अलग से एक कह सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो अंदर जो है इसके चार्ज रहता है, तो हमने इस जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड चैप्टर में कैलकुलेट कर लिया था। ई जो आउट आया था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वो क्या आया था बेटा, 1/4πε0Q/r2। याद है क्या? हाँ जी, सरफेस के लिए आपके पास आया था Es=1/4πε0Q/R2। और अंदर की साइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इनसाइड। अच्छा, जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर है उसके तो इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड जीरो रहता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में इनसाइड जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है 1/4πε0Q(r)Q। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे सेकंड जो चैप्टर है उसमें कैलकुलेट कर लिया था। आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है वो हम ले लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करते हैं इसके आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर ये स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इससे आउटसाइड यहां पर पॉइंट पी है, स्मॉल आर डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमें आउटसाइड कैलकुलेट करना है एट ए पॉइंट आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एट ए पॉइंट आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। आउटसाइड है ये पॉइंट पी जहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। तो आउटसाइड के लिए ई आउट ये रहेगा आपके पास, जब इनसाइड सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये रहेगा और जब इनसाइड कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद रहना चाहिए, अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो इनसाइड क्या रहता है, जीरो, क्योंकि चार्ज आउटसाइड, इनसाइड चार्ज नॉन जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके इनसाइड में चार्ज नहीं रहता, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में चार्ज है इनसाइड, तो इसकी वैल्यू आती है। सेकंड चैप्टर में देखना हमने स्फीयर की जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया है, ठीक है। तो पहला हम आउटसाइड कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को मैं रफ कर देता हूं यहां से, या हम आउटसाइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही फॉर्मूला वी और ई का रिलेशन ले लेते हैं। तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, सो वी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, नेगेटिव इंटीग्रेशन ई डॉट। याद है क्या, ई और बी का रिलेशन मैंने करवाया था जहां पे हमने ग्रेडियंट लगाया था, डेल लगाया था, जाने का। हाँ जी, अब आउटसाइड है तो यहाँ पे जो चार्ज है कहाँ आ रहा है, इनफिनिटी से आ रहा है, यहां से जो चार्ज है वो इनफिनिटी से आ रहा है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की क्या खासियत है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, लेस चार्ज है ये, जिसको पॉइंट चार्ज ही बोलते हैं, लेस चार्ज ही बोलते हैं। ये इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आ रहा है, तो इसके चार्ज जो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। तो लिमिट क्या ले लेंगे हम, लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेंगे, आउटसाइड वाला, जो कि पॉइंट का है आउटसाइड, तो यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा आएगा, आउटसाइड। सो वी आउट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, मैंने कहा था कि आउटसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम उसी प्रोसेस से आएगी जैसा हमने स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनफिनिटी टू स्मॉल आर लिमिट ई आउट ये रहा 1/4πε0Q
उसको बाहर ले लेंगे, नेगेटिव साइन क्यू अपॉन और पाई एप्सिलॉन जीरो इज कॉमन एंड इनफिनिटी टू स्मॉल आर, और आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का बताओ इंटीग्रेशन क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा वी आउट इज इक्वल टू क्यू अपॉन और पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नेगेटिव साइन चल रहा है इसका, 1 अपॉन आर स्क्वायर का यहां तक आ जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन आर। ये इंटीग्रेशन मैंने बता दिया था 1 अपॉन आर स्क्वायर का कैसे करते हैं, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में तो आर माइनस दो बनेगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और इसका इंटीग्रेशन हमने किया था किस फॉर्मूले से, एक्स की पावर एन से, क्या आया था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यूजिंग दिस फॉर्मूला, और लिमिट क्या है बेटा इंफिनिटी टू स्मॉल, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वी आउट इज इक्वल टू, पहले कौन सी लिमिट रखते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या जाएगी नेगेटिव वन अपॉन आर, ठीक, फिर नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वन अपॉन इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी जीरो होगा और ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो वी आउट क्या जाएगा बेटा वी आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। क्लियर है, सेम वो की वो कैलकुलेशन है जैसे हमने स्फेरिकल सेल में की थी और कंडक्टिंग स्फीयर में की थी, वो की वो कैलकुलेशन है सेम, ठीक है। अच्छा अब सेकंड पॉइंट अगर अपन लेंगे, ये तो था स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट आपका एट ए पॉइंट सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो क्या आ जाएगा सरफेस पे ये पी पॉइंट कहां आ जाएगा यहां से सरफेस पे, अरे नहीं क्या सरफेस पे आ जाएगा तो आर और आर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से देखो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, किसके लिए सरफेस पर, सरफेस पर जब आ जाएगा तो सरफेस पे स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है वी सरफेस की कैलकुलेशन करेंगे तो वी एस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनफिनिटी टू कहां तक आ रहे हैं हम कैपिटल आर तक, तो कैपिटल आर ई एस इनटू डी आर, वही फॉर्मूला सेम यही आउट था यहाँ ई एस, सो वी एस इज इक्वल टू इनफिनिटी टू कैपिटल आर ई एस का मान क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इनटू डी आर, ठीक है। अच्छा ये जो डी आर है इसके लिए अपन इसमें आर ले लेते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर आउटसाइड वाला, उससे इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, तो वी एस इज इक्वल टू जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, यानी कि यहाँ तो आ जाएगा स्मॉल आर और सरफेस पे स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी स्मॉल आर की जगह क्या रखेंगे कैपिटल आर, ठीक है। इस तरह से हम सरफेस पे और आउटसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सरफेस पे जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये वैल्यू, कैलकुलेशन इजी है ये बार घर पे करके देखना आ जाएगी, ठीक है ना। जो हमारा ये आर्ट शाही का चैनल चल रहा है इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।